हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर की स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार और गैज आज हो गया 20/6/2021। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गैज आज हम लोग BTUP का पूरा गेम समझने वाले हैं, क्या क्या गेम खेल रहा है हम लोग के साथ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम रिजल्ट और प्रैक्टिकल्स के बारे में और पेपर के बारे में कैसे होगा। ठीक है, अगर आज नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाओगे। ये जो हेडिंग है देख रहे हैं तो सही देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरा गेम को समझेंगे हम लोग। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों, मतलब दोनों ब्रांच के लिए पूरा सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लासेस चल रही है, और आपको कोई भी ब्रांच का, किसी भी ब्रांच का बुक PDF चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, RK Study 2.0 सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, और नहीं मिल पा रहा है कोई बुक्स या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो गेम है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इसके बारे में, जितना आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे आज क्लियर होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपका जो है टेक्निकल बोर्ड है। ठीक है, ये आपका टेक्निकल बोर्ड, ठीक है, जिसमें हम किस किस का बात कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक, BTech और डी फार्मा, तीन लोगों का बात कर रहे हैं। किसका किसका गैज, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा और BTech के स्टूडेंट, तीन थे हो गए, तीन कॉलेज के स्टूडेंट, तीनों टेक्निकल हैं इसलिए तीनों के लिए बता रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपके सबसे पहला जो सवाल आता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, रिजल्ट कब आएगा, प्रैक्टिकल्स कब तक ख़त्म होंगे, ये सारे ऐसे डाउट्स बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर बहुत लंबा है इसलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी बात जो भी आपके क्वेश्चन फिर से बच जाएंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका भी सोल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकल्स जो हैं आज हो गया 20/6/2021 और प्रैक्टिकल्स की लास्ट डेट है आपका 21/6/2021, माने 21/6/2021 तक पूरे कॉलेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल्स बचेगा नहीं, यदि बचता है तो उसकी जिम्मेदार प्रिंसिपल होगी। यहाँ आपका टेंशन फ्री, प्रैक्टिकल्स को लेकर स्टूडेंट का जिम्मेदारी फ्री हो गया। यहाँ पे कौन सा जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल होगा, मैंने पिछले वीडियो में नोटिस दिखाई थी। ठीक है, तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 21/6/2021 माने नेक्स्ट डे ये प्रैक्टिकल्स होकर पूरा के पूरा ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग आएंगे किस पे, रिजल्ट पे आएंगे। ठीक है, कि हमारा रिजल्ट कब आ रहा है, हमारे आपके पास दो सवाल है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। तो क्यों नहीं आ रहा है का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल्स है, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा का मतलब क्या है कि जो आपका प्रैक्टिकल्स है वो 21/6/2021 तक लास्ट डेट है जो पूरा संपन्न कराने के लिए, इसलिए नहीं आ रहा है। कब तक आएगा, तो उम्मीद है इसके लास्ट तक, इस महीने के लास्ट तक देखने को हमें मिल सकता है, माने बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, ऐसा हमने नोटिस भी जारी किया गया था जो BTUP से, वो भी हमने पिछले वीडियो में दिखाए हुए हैं कि कब तक आएगा। ठीक है, अभी एक्चुअली डेट नहीं बताया जा सकता, बिकॉज कि हम लोग अपने से बता देंगे तो प्रॉब्लम्स हम ही लोगों का होगा, क्योंकि आप लोग हम ही पे ब्लेम कर देंगे, इसलिए अभी रिजल्ट के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन 100% ये है कि इस महीने के अंतर्गत में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आपके प्रैक्टिकल्स की टेंशन फ्री हो गए, रिजल्ट की आपकी टेंशन फ्री हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इधर एग्ज़ाम की, ये तीनों की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, डी फार्मा के स्टूडेंट और BTech के स्टूडेंट, तीनों के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम को लेकर। तो एग्ज़ाम देखिए यहाँ पर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो किसका ऑनलाइन होगा किसका ऑफलाइन होगा ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन का। ठीक है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ये 100% श्योर है, नोटिस में जारी किया था BTUP ने, वो भी हमने दिखाए हुए हैं। एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन में आपके पास दो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है कि एग्ज़ाम जो होगा वो सेंटर पे होगा या होम,
घर से कर सकते हैं। तो देखिए अभी एक सॉफ्टवेयर जो लॉन्च हो रही है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो देखिए अभी ज़्यादातर उम्मीद जो है वो एग्ज़ाम आपका घर से होने के लिए है, ठीक है। आपका जो अधिकतर एग्ज़ाम जो होने वाला है घर से होने वाला है, सेंटर से नहीं। अगर सेंटर पे एग्ज़ाम होता ही तो हम लोग वहाँ पर जाके ऑफलाइन भी तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम भी उपलब्ध नहीं है। तो हमें ज़्यादातर ज़्यादा यहाँ पे ये उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम कराया जाएगा ऑनलाइन वो मोबाइल पे हिसाब से कराया जाएगा। अब क्यों कराया जाएगा ये भी हम रीज़न बताए थे पिछले वीडियो में कि ये बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको चेक कर रहा है कि आप अभी कितना जान रहे, कितना मतलब पढ़े हैं और आपके पास कितना नॉलेज है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जो नहीं देखा होगा वो देख लेगा तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि अगर एग्ज़ाम होम से होगा, मतलब एग्ज़ाम घर से होगा, तो यहाँ पे लड़कों को दो तीन चीज़ फेस करना पड़ रहा है। पहली बात कि नेटवर्क प्रॉब्लम है गांव में, मोबाइल प्रॉब्लम है, किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, और मोबाइल से दे सकेंगे एग्ज़ाम या नहीं दे सकेंगे ये भी प्रॉब्लम है। तो देखिए मोबाइल से दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे ये तो अभी BTUP से लेटेस्ट न्यू नहीं आई है, लेकिन हम 100% बता रहे हैं कि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा तो आप दे सकेंगे, क्योंकि इतना सिस्टम जो है ना, सिस्टम प्राप्त करना सेंट्रल पे या फिर सिस्टम लाना ये इजी बात नहीं है। तो युवराज पोर्टल पे कंपटीशन वगैरह होता है, तो उसमें एक बार कंपटीशन हो रहा था तो हमने भी दिया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि ऐसा उसमें सेट किया गया था कि आप उस क्वेश्चन को, ठीक है, जैसे मोबाइल पे खोल लिए तो जिस क्वेश्चन को आपने खोला वहाँ पे सेकेंड चलता था कि आप 30 सेकेंड में एक जवाब दे दीजिए, और अगर मतलब ऑप्शनली ही था, एक क्वेश्चन था जिसमें चार विकल्प थे तो ऑप्शनली ही था, उसमें क्या हो रहा था कि 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता था और 30 सेकेंड में आप जवाब दे दिए तो दे दिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन चला जाता था, ठीक है। तो उसमें आप नकल भी नहीं मार सकते क्योंकि अगर जैसे ही आप बैक आएंगे तो पूरा कट जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है इसी टाइप के सॉफ्टवेयर बनेंगे, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है कि मोबाइल से दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे एग्ज़ाम, तो आप 100% दे सकेंगे क्योंकि इसी तरह लॉन्च होगा ही, बिकॉज क्योंकि सारे लोग के पास सिस्टम नहीं है और कोई भी सेंट्रल जहाँ पे कॉलेज है आपका वहाँ पे सिस्टम इतना उपलब्ध कराना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है। ऐसा तो है नहीं कि पारिवारिक एग्ज़ाम होगा, उस सबका एक साथ होगा, तो उम्मीद है कि मोबाइल से ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका मोबाइल प्रॉब्लम है, तो देखिए यहाँ पे जिनके पास मोबाइल प्रॉब्लम है, मोबाइल नहीं है, जिसके पास है तो ये आप सरकार सोचेगी, ठीक है, इस पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको हो सकता है बता दे कि आप किसी सिस्टम पे जाके वहाँ पे आप कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको सिस्टम पे जाना पड़े, सिस्टम तो कहीं पे भी मिल सकता है आपको, तो मोबाइल वगैरह नहीं है तो इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर कि नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह है गाँव में, तो ये आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो भी एक व्यवस्था करेगी, उसका बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम, मोबाइल प्रॉब्लम, ठीक है, मोबाइल से दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं ये पूरा आप छोड़ दीजिए, जो BTUP के जो वहाँ पे जिसने ये सोच के जारी किया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगे, उसने कुछ सोच के ही जारी कराया होगा, उसके पास दिमाग होगा कि कहाँ पर नेटवर्क है, कहाँ पर नेटवर्क है, गाँव में क्या प्रॉब्लम होता है, उस सोच के ही सब किया होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप हिम्मत मत हारिए, बस आपको क्या करना है कि पढ़ना है, आप पढ़िए और अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप जब तक बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इस पर भी एक वीडियो आएगी तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं किस टाइप के सॉफ्टवेयर, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का है कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा, तो सॉफ्टवेयर देखिए हम कई प्रकार से बता देते हैं। हमने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देखिए एक सिस्टम पे भी हमने दिए हैं, मोबाइल पे दिए हैं, तो हम पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम में देखिए क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन खुल गया उसमें क्या होता है कि आपको टाइम दे दिया जाएगा 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी 2-2.5 घंटे का टाइम दे दिया, मान लीजिए 2.5 घंटे का टाइम दे दिया, उसमें 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, मान लेते हैं 50 क्वेश्चन दे दिए, आपको 2.5 घंटे का टाइम दे दिया, तो उसमें क्या करेगा, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है, ठीक है, और 50 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक तो है कि पूरा का पूरा खुल जाएगा आपका, जितना 50 क्वेश्चन है वो पूरा खुल जाएगा, आप जिसको जब चाहे वो टिक करके वहाँ पे लॉक कर सकते हैं, ठीक है, 50 में 50,
उसमें टाइमिंग फिक्स 2.5 घंटा है कि 2.5 घंटा बाद वो बंद होगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि 2.5 घंटा बाद एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा, और उससे पहले आप कुछ भी कीजिए उसमें नहीं होगा। और दूसरी बात कि वहाँ से आपको आप हट नहीं पाएंगे उस सिस्टम में, वहाँ से हट नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने जहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर है, इस सिस्टम पे आपका जहाँ पे क्वेश्चन आंसर है वहाँ से आप बैक नहीं आ सकते। जैसे ही बैक आएंगे ये पूरा आपका लॉक हो जाएगा, फिर आप उस क्वेश्चन को खोल ही नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो ये भी गलती नहीं करना है। दूसरी बात कि इसी तरह के सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाले हों जहाँ तक उम्मीद है। अगर हम मोबाइल की बात कर लें तो मोबाइल में भी अगर ये सिस्टम दे दिया कि आपके जो एक बार क्वेश्चन खुल गए आपको बैक नहीं आना है, अगर बैक आ गए तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो बंद हो जाएंगे। हो सकता है टाइमिंग वाला भी कर दे कि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक। तो ऐसे सॉफ्टवेयर लॉन्च होंगे जिनमें कि आपको नकल करने का तो कोई वहाँ पे मतलब कोई ऐसा ही नहीं है कि नकल आप कर पाएंगे। हो सकता है आपके अगर कोई साथ में बड़े लोग हों जिनको ये सब के बारे में पता हो तो वो तुम्हारा साथ दे सकते हैं, जैसे कि लिखने या बोलने, मतलब जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपके साथ बैठे हैं तो वो हो सकता है कि वो आपका साथ दे दे। लेकिन जहाँ तक हमें ज़्यादातर उम्मीद है कि ये इस तरह का होगा कि आप नकल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ सिर्फ पढ़ाई कीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों कराया जा रहा है एग्ज़ाम, ये भी बात लास्ट में फिर से समझ लीजिए, हम एक दिन बताए थे और फिर से यहाँ पे समझ लीजिए क्यों कराया जा रहा है एग्ज़ाम। इसलिए एग्ज़ाम कराया जा रहा है क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि पिछले बार जब प्रमोट किया गया था तो जो अच्छे स्टूडेंट थे उनका अच्छा नंबर नहीं आया था, ठीक है। और जो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, जो अच्छे नहीं कर पाते हैं, उनका भी अच्छा नंबर आ गया था। मैंने सबका बराबर सेम सेम कर दिया था, ठीक है। जैसे कि मेरा ही, मैं अपना ही बता दे रहा हूँ कि मेरे मतलब जब मेरा प्रमोट हुआ था तो मेरे से एक लड़की मतलब कम नंबर लाई थी, ठीक है। जब एग्ज़ाम हुआ था तो कम नंबर था, और जब उसका प्रमोट हुआ तो हमसे वो 2 नंबर ज़्यादा हो गई। अब बताइए कैसे हो गया, उस हिसाब से उसको पिछले हिसाब से मिलता तो हमसे तो कम ही रहती, क्योंकि 2% जो कम है वो 2 नंबर अधिक हो गया। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं, इसीलिए किसी को संतुष्ट नहीं होता, इसलिए एग्ज़ाम कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आई होप कि ये सब पूरा जितना डायग्राम है समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में।